है व्यूअर, आप यू आर वॉचिंग इंडिवर फॉर यू। आज हम लोग लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जीएस पेपर वन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये परीक्षा अभी 10 अक्टूबर को ही हुआ था, तो इसमें जीके के कई क्वेश्चंस आए हैं। उसमें से सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा होती है। सबसे पहला है 200 से 300 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर, 300 से 400 सेंटीमीटर, 80 से 100 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें हम आशा करते हैं कि आप आसानी से इसमें जो एवरेज यहाँ का वर्षा है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच का आएगा। ये हुआ। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। पहला ऑप्शन है पीर पंजाल श्रेणी में, दूसरा है गढ़वाल श्रेणी में, तीसरा है काराकोरम श्रेणी में और कंचनजंगा एवरेस्ट श्रेणी में। आप दिमाग लगाइए, 1-2 सेकेंड जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप आंसर देने का कोशिश कीजिए। और इसका सही आंसर होगा काराकोरम श्रेणी। तो आप ध्यान रखते जाइएगा, इस तरह के सवाल आजकल बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो जिसको मौसमी नदियाँ बोलते हैं, जो मौसम में नदी निकलती है, वो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है गंगा मैदान, दूसरा है पंजाब हरियाणा का मैदान, तीसरा है राजस्थान मैदान और चौथा है ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र मैदान। आप सोचिए और बताइए, और इसका सही आंसर होगा पंजाब और हरियाणा का मैदान। जैसे इस तरह के सवाल बनाने में आपको बेसिक ज्योग्राफी का, जो बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी का जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन कि 2001 से 2011 के दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही। तो जिन लोगों ने अर्थशास्त्र में या ज्योग्राफी में भी जनसंख्या के बारे में डाटाज पढ़े होंगे, वो बहुत आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच में 17.64% रहा है। आगे हम देखते हैं पांचवा प्रश्न, कोको उत्पादन में कौन सा देश विश्व में सबसे आगे है, है ना, कोको का उत्पादन में। तो इसमें ए ऑप्शन है जाम्बिया, बी में है घाना, सी में है ब्राज़ील और डी में है गिनी। तो आप सोचते रहिए, सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक, जैसे कि यहाँ पे हम जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आइवरी कोस्ट और घाना, ये दोनों पूरे दुनिया में जितना कोको का उत्पादन होता है उसका 50% ये दो देश ही करते हैं। तो यहाँ पे आइवरी कोस्ट ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन का ऑप्शन बी। अब हम छठा क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्र के अनुसार भारत का कौन सा लोकसभा चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस का आप लोग सबको जानते होंगे। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी में है लद्दाख, सी में रांची, डी में पटना सिटी। तो इसका आसान सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे हम जानते हैं कि लद्दाख हमारे देश का सबसे बड़ा एरिया में लोकसभा क्षेत्र है, इंक्लूडिंग गिलगित बाल्टिस्तान, अक्साई चीन, है ना, इस तरह से। फिर अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि अंकल सैम शब्द किस देश के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। अंकल सैम, तो ए में ऑप्शन है अमेरिका, बी में है रूस, सी में पाकिस्तान और डी में चीन। हम आपको हिंट के रूप में दे सकते हैं कि ये एक फेमस आदमी थे सैमुअल विल्सन, उन्हीं के नाम पर ये आदमी जिस देश के निवासी हैं उन्हीं के नाम पर ये अंकल सैम पड़ा है। और शॉर्ट में देख सकते हैं कि US स्टैंड्स फॉर अंकल सैम, इसलिए इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। अगला आंसर हम देखते हैं, प्रश्न हम देखते हैं, अल्पसंख्यक संस्थाओं को राइट टू एजुकेशन कानून के दायरे से बाहर रखा गया है, इस बात की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। तो इस बात की व्यवस्था एक्चुअल में अनुच्छेद 30(1) में किया गया है, लेकिन इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 31(1), तो इसमें वो ऑप्शन है नहीं। लेकिन जो नियरेस्ट जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है उसके हिसाब से अगर देखें तो अल्पसंख्यक के भाषा वगैरह के संरक्षण के लिए, उसके बढ़ावा देने के लिए, ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अब हम नौवां सवाल देखते हैं, किस देश में सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई।
तो जैसे ही साम्यवादी का चर्चा शुरू होता है तो आपके दिमाग में जो सही आंसर है वो ज़रूर आता होगा रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में, जो कि 1917 में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे कि चीन है, क्यूबा है, रूस है और उत्तर कोरिया। तो इसका सही आंसर होगा रूस। रूस के बाद चीन में हुआ, चीन के बाद क्यूबा, उसके बाद नॉर्थ कोरिया में साम्यवादी सरकार का क्रमबद्ध आगे बढ़ता गया, स्थापना होते गई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सीमा चौकसी प्रबंधन जिसको बोलते हैं द डिपार्टमेंटल बॉर्डर मैनेजमेंट, ये किस किस संघ मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पहला है रक्षा विभाग, दूसरा है गृह मंत्रालय, सी में है विदेश मंत्रालय, डी में है सड़क परिवहन मंत्रालय। आप दिमाग पर थोड़ा जोर डालेंगे तो आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा। थोड़ा सा रक्षा विभाग और गृह मंत्रालय में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, क्योंकि जितने भी बॉर्डर से रिलेटेड इलाके हैं जैसे भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत चाइना, इसका जो डिपार्टमेंटल बॉर्डर मैनेजमेंट कौन देखता है? हमारे देश का गृह मंत्रालय देखता है। अगला 11वां सवाल देखते हैं कि क्या कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है हाँ, दूसरा है बी में है नहीं, सी में है केवल अस्थाई, डी में कभी नहीं। तो इसमें आप लोग को जानकारी होगा है कि एक राज्य के राज्यपाल कई राज्यों के प्रभार में भी रहते हैं और कई राज्यों के राज्यपाल भी रहते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन सी दे दिया केवल अस्थाई से कन्फ्यूज़न होता है कि जैसे अभी एक राज्य के राज्यपाल का मृत्यु हुआ तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल को तब चार्ज दिया गया था। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, इसका सही ऑप्शन होगा ए। आगे हम देखते हैं भारत में धार्मिक समुदायों का अवलोकन करें, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी। सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान किसको किसको दी गई है? सही पहचान करें। तो ये बहुत आसान सवाल है, आप देख ही रहे होंगे कि सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी ये सब अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं भारत का चुनाव निम्नलिखित में से किस किसके चुनाव से नहीं जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, सी में है पंचायती राज व्यवस्था, डी में ये सभी। तो आपको अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको ये जरूर पता होगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबका चुनाव लोकसभा का, राज्यसभा का, MLA का चुनाव राष्ट्रपति कराते हैं। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था जो कि संविधान में बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको प्रस्तुत करता है? पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, बी में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सी में राष्ट्रपति, डी में प्रधानमंत्री। ये बिल्कुल आसान सा सवाल है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, आंसर सी होगा। लेकिन इसमें जो कन्फ्यूजन का दिया हुआ है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसके समक्ष राज्यपाल अपना शपथ ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां देखते हैं, सोहराबुद्दीन नकली मुठभेड़ की घटना किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा सी में गुजरात, डी में असम। सबको पता होगा ये बहुत चर्चा में रहा था और अभी हमारे देश के एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन व्यक्ति हैं उनके खिलाफ भी इसमें बहुत सारे आरोप लग रहे थे कि उन्होंने ही करवाया, उनकी सहमति थी इस तरह के। तो इन इन बहसों में नहीं पढ़ना, अभी तत्काल हम लोग को देखना है कि इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। 16वां प्रश्न देखते हैं, किस कांग्रेस अधिवेशन में नीति निर्देशक तत्व का प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली प्रस्ताव, बी में है कराची प्रस्ताव, सी में है मेरठ प्रस्ताव, डी में है लाहौर प्रस्ताव। आप सोचिए, ये बहुत ही फेमस अधिवेशन था, 1931 में हुआ था कराची में, है ना, जिसमें हम लोग पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। तो उसी में ही हम लोग का जो इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में चर्चा किया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित, वह है कराची। हाँ, तो ये पूर्ण सॉरी ये पूर्ण प्रस्ताव लाहौर प्रस्ताव में, हाँ सॉरी एक्चुअली में ये लाहौर प्रस्ताव ही था 1931 का, जिसमें नीति निर्देशक तत्व का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कराची प्रस्ताव नहीं होगा, इसमें लाहौर प्रस्ताव होगा। अगला सवाल देखते हैं हम कि भारत का उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसमें उप चुनाव आयुक्त ऑप्शन ए है चंद्रभूषण कुमार, बी में है अनुराग अग्रवाल, सी में है ओम प्रकाश रावत, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो
आप सोचिए, चुनाव आयुक्त का नाम तो सब जानते हैं, चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त का। ये इस बार हमारे देश में अभी ना चार उप चुनाव आयुक्त कार्यरत हैं, तो इसमें चंद्रभूषण कुमार है जो ऑप्शन नंबर एक, ये इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए भारत के संविधान के किस अनुसूची को संशोधित करना होगा। ऑप्शन नंबर ए है प्रथम अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी है नौवीं अनुसूची। तो आप जान ही रहे होंगे कि हमारा देश का जो फर्स्ट आर्टिकल है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ होगा, तो ये प्रथम सूची से संबंधित है, तो इसका आंसर बिल्कुल प्रथम अनुसूची होगा। 19वां सवाल देखते हैं, मिनर्वा मिल्स मामला किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो मिनर्वा मिल का जैसे ही चर्चा आता है, तो जो हम फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में हम लोग देखे हैं कि मौलिक अधिकार से संबंधित जितने सारे चैप्टर, जितने सारे केसेस हुए थे, जो इम्पोर्टेंट केसेस, उन सबों का चर्चा किए थे, तो उसमें मिनर्वा मिल्स मामला भी आया था। ये नीति निर्देशक तत्व तो मौलिक अधिकार और संविधान संशोधन से संबंधित है, न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच के विवाद का विषय था। तो सर्टेनली आप जान ही गए होंगे कि यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां, लिंग सशक्तिकरण माप की अवधारणा को प्रस्तावित किया है। द कंसेप्ट ऑफ जेंडर एम्पावरमेंट मेजर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। पहला ऑप्शन ए है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने, नीति आयोग ने, विश्व बैंक ने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। अब सोचिए, थोड़ा सा जोर डालने से इसका आंसर पता चल ही जाएगा। इसमें फंसने का ज़रूरत नहीं है कि नीति आयोग ही ऐसा पूरा दुनिया में लिंग सशक्तिकरण माप की अवधारणा शुरू किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम लोग UNDP भी बोलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन एक अविकसित देश का सामान्य लक्षण नहीं है। यहाँ पे इस बात पे ध्यान देना होगा कि वो लक्षण नहीं है पूछ रहा। ऑप्शन ए है कृषि अर्थव्यवस्था, बी है पूंजी का अभाव, सी में है धीमी जनसंख्या वृद्धि, डी है तकनीकी पिछड़ापन। तो जान ही रहे होंगे कि इसमें से सारा अविकसित देश का ही सामान्य लक्षण है, एक्सेप्ट धीमी जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि जो अविकसित देश होता है वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि भी तेजी से होता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22, अनुच्छेद 35 का संबंध किस राष्ट्र से है। तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि 5 अगस्त 1919 का जो प्रस्ताव संसद में जो पेश हुआ था, आर्टिकल 35A और 370, तो ये संबंधित है जम्मू कश्मीर के राज्य से। 23वां देखते हैं, नीति आयोग जो योजना आयोग जो पुराना नाम इसका है, तो ये 2015 में सरकार ने इसका नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया। तो नीति का पूर्ण रूप क्या है, तो N स्टैंड्स फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट और T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, I फॉर इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भारत बदलाव हेतु राष्ट्रीय संस्थान, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब 24वां सवाल देखते हैं, प्रत्याशियों के क्षेत्रीय समावेश के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कि एक उप योजना हिमायत है, जिसको अभी हिमायत योजना के नाम से शुरू किया गया है। तो ए ऑप्शन है पंजाब के युवकों के लिए, बी ऑप्शन है केरल के युवकों के लिए, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर के युवकों के लिए, डी है झारखंड के युवकों के लिए। आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आसान ही सवाल है, इसमें दिमाग लगाने का ये ज़रूरत है कि अभी जम्मू कश्मीर पे जो संविधान संशोधन हुआ है 35 या 370, तो उस संदर्भ में जम्मू कश्मीर के युवकों के लिए ये योजना शुरू किया गया है हिमायत। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन भारत में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। जो चावल है, गेहूं है, दलहन है, मकई है। तो इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होने का ज़रूरत नहीं है कि हम लोग का देश का जो सबसे महत्वपूर्ण फसल्स हैं चावल और गेहूं, खाद्य फसल चावल और गेहूं, तो सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फसल है चावल, तो इसका सही आंसर होगा गेहूं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, 26वां, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य में
सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है? सबसे ज़्यादा शहर का जनसंख्या किस राज्य में है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी है तमिलनाडु, डी है कर्नाटका। तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। फिर अगला सवाल देखते हैं 27। भारतीय राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार, जिसको इंडियन नेशनल अकाउंट्स स्टेटिक्स बोलते हैं, संगठित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के गैर कृषि के सारे प्रतिष्ठानों को सम्मिलित करता है, जहाँ कितने या उससे अधिक लोग नियोजित हों। पहला ऑप्शन है 2 या 2 से अधिक श्रमिक, बी ऑप्शन है 5 या 5 से अधिक श्रमिक, सी ऑप्शन है 8 या 8 से अधिक श्रमिक, डी ऑप्शन है 10 या 10 से अधिक श्रमिक। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको जो श्रमिक लॉज हैं, लेबर लॉज, उसका अगर थोड़ा भी आइडिया होगा तो आप ज़रूर सही आंसर मारेंगे। जैसे हमारे देश में फैक्ट्री एक्ट है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, इस तरह से बहुत सारे श्रम कानून हैं। तो इसका सही जवाब होगा 10 या 10 से अधिक श्रमिक। 28वां सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन भारत के केंद्र सरकार के लिए एक गैर कर राजस्व का स्रोत नहीं है? आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए स्रोत नहीं है। ए ऑप्शन है ब्याज प्राप्ति, बी है लाभांश और मुनाफा, सी है बाहरी अनुदान, डी है केंद्रीय उत्पाद कर। तो दो दो निगेटिव है इसमें। गैर कर राजस्व मतलब कर राजस्व का स्रोत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद कर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 29। केंद्र सरकार के खर्च में निम्न में से किस मद का हिस्सा सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा किस पे खर्च होता है हमारे देश में? तो ए ऑप्शन है गैर रक्षा पूंजी व्यय, बी है कुल सब्सिडी, सी है ब्याज भुगतान और डी है केंद्र प्रायोजित योजनाएं। तो सबसे ज़्यादा भुगतान तो किसी, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से किसी अन्य पे होता है ना? लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा खर्च होता है, करीब करीब 18%, वो है ब्याज भुगतान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। वर्तमान में भारत में निम्न में से कौन कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत साख का सबसे बड़ा स्रोत है? ए ऑप्शन है सहकारी बैंक, बी ऑप्शन है भूमि विकास बैंक, सी ऑप्शन है अनुसूचित वाणिज्य बैंक, डी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो जाता है ना कि कृषि क्षेत्र के साख के लिए, तो दिमाग में आ जाता है सहकारी बैंक होगा या रीजनल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा, रीजनल रूरल बैंक्स। लेकिन एक्चुअल ये है कि हमारे देश में कृषि साख का सबसे बड़ा संस्थागत स्रोत जो है, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, जो करीब 79% उसका वो है स्रोत का पूरा परसेंटेज, इतना फाइनेंस सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स करते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निम्न में से कौन सा कर भारत में केंद्र सरकार के लिए सर्वाधिक है? सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में है ना, इसको टैक्स जीडीपी रेशियो बोलते हैं, थोड़ा सा टर्न किया हुआ है सवाल। ऑप्शन नंबर 1 है निगम कर, बी है निगम कर को छोड़कर अन्य आयकर, सी ऑप्शन है जीएसटी जिसको वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं, और डी को बोलते हैं सीमा शुल्क। तो आपको पता ही होगा कि ये भी नहीं होगा, सीडी पे आके ध्यान रुकता है। तो हमारे करेंट फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी का जो संग्रह है 47,484 करोड़ है और सीमा शुल्क का है 30,000 करोड़। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा सी। 32वां प्रश्न देखते हैं। 2018-19 में निम्न में से कौन भारत के लिए सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु थी? 18-19 में सबसे ज़्यादा हमारे देश से क्या निर्यात हुआ? तो ए ऑप्शन है पेट्रोलियम उत्पाद, बी ऑप्शन है मोती बहुमूल्य मध्यम बहुमूल्य पत्थर, सी है लौह एवं इस्पात, डी है जैविक रसायन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा मोती बहुमूल्य मध्यम बहुमूल्य पत्थर, क्योंकि
इसका जो स्थान है करीब करीब 12.32%, हमारे देश में 12.32% ये निर्यात हुआ था हमारे देश से। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 2018-19 में निम्न में से कौन सा देश भारत के आयात का सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है चीन, सी है यूनाइटेड अरब अमीरात और डी है सऊदी अरब। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन, जो कि हमारे देश से 13.68% यहाँ से हमारे देश में आयात होता है, फॉलोड बाय यूएसए यहाँ से 6.92%। तो इसका सही उत्तर होगा चीन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा खनिज केवल झारखंड में उत्पादित नहीं किया जा सकता है? जैसे ही जानते हैं झारखंड मतलब खनिजों का राजा, करीब करीब 40% खनिज हमारे देश का यहाँ पे पाया जाता है। तो जैसे कुकिंग कोल जानते ही होंगे कि बहुत बड़ा इलाका है, BCCL भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, झरिया वगैरह धनबाद। दूसरा है यूरेनियम, जादूगोड़ा माइंस जानते होंगे झारखंड का, सी है पायराइट और डी है अभ्रक। अभ्रक का खान जानते ही हैं जी, कितना बड़ा, रामगढ़ के आसपास इलाकों में पाया जाता है माइका, रूबी किस्म का माइका। तो इसका सही आंसर होगा पायराइट। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। खाली स्थान भरना है कि मूल्य में परिवर्तन को मापने के लिए NHB रेसिडेक्स भारत में एक मूल्य सूचकांक है। तो इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, जैसे ही रेसिडेक्स बोलते हैं ना तो रेसिडेंशियल इंडेक्स, और NHB स्टैंड्स फॉर नेशनल हाउसिंग बैंक। तो इसका ऑप्शन सही सही उत्तर जो होगा आवासीय संपत्ति, जिसको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा शुरू किया गया है एक मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। निम्न में से कौन एक नमामि गंगे मिशन का एक घटक नहीं है? नमामि गंगे मिशन जानते ही होंगे, गंगा सफाई के लिए जो अभियान हमारे देश में छिड़ा हुआ है। तो ए ऑप्शन है शहरी स्वच्छता, बी है इकोसिस्टम कंजर्वेशन, सी ऑप्शन है सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, डी ऑप्शन है बाढ़ मैदान योजना। तो देखिए, ये तो पहले ही पता होगा कि सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ही, पारिस्थितिकी संरक्षण होगा ही। अब बात आके रुकता है शहरी स्वच्छता बाढ़ मैदान योजना। तो नमामि गंगे योजना का बाढ़ मैदान योजना भी एक घटक है कि जो बाढ़ वाले इलाके हैं जहाँ तक बाढ़ का वो पानी आता है, उस गांव को विकसित वगैरह करना। तो इसका सही आंसर होगा शहरी स्वच्छता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। झारखंड में निम्न में से किस उपक्षेत्र के औद्योगिक उत्पाद में सर्वाधिक भागीदारी है? पहला है खनन और उत्खनन, बी है विनिर्माण, सी है बिजली गैस जल आपूर्ति एवं अन्य जनउपयोगी सेवाएं, डी है निर्माण। तो जानते हो कि झारखंड खनिज संपदा वाला संपन्न राज्य है, तो यहाँ सही आंसर ये होगा माइनिंग एवं क्वारी, खनन और उत्खनन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। झारखंड में मौर्या कोयला ब्लॉक किस जिले में अवस्थित है? तो मौर्या कोल ब्लॉक इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जितना भी कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ था, जिसमें करीब 10 साल से, पिछले 10 सालों से उसमें उत्पादन शुरू हुआ ही नहीं, तो उन कोल ब्लॉकों को भारत सरकार ने कैंसिल कर दिया गया जो लीज दिया गया था। तो ये मौर्या कोल ब्लॉक है, ये चतरा जिले में अवस्थित है। अब आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 39। निम्न में से कौन झारखंड राज्य के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है? ए ऑप्शन है वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर, बी ऑप्शन है संपत्ति और पूंजी लेन देन पर कर, सी ऑप्शन है आय एवं व्यय पर कर, और डी इनमें से कोई नहीं। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग में लग रहा होगा कि जैसे खनिज संपदा वाला है तो खनिज से संबंधित जो आयात तो रॉयल्टी वगैरह होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा वस्तु एवं सेवाओं पर कर, जिसको हम लोग GST बोलते हैं। इसका करीब करीब 49% अकाउंट है, 49% कर राजस्व झारखंड में इसी से आता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। कुल शहरी जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में,
कुल शहरी जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में निम्न में से झारखंड के किस शहर की स्लम जनसंख्या? आप देखिए इतना घुमा के इतना कठिन सवाल दे दिया है ना। कुल शहरी जनसंख्या के प्रतिशत मतलब जितना शहरी जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत स्लम जनसंख्या है, उसमें से सबसे ज़्यादा स्लम में लोग कहाँ रहते हैं? तो ए ऑप्शन है जमशेदपुर, बी में है राजमहल, सी में है गिरिडीह और डी में है सरायकेला। तो इसका सही आंसर है सरायकेला। सरायकेला में करीब करीब 13.72% जो शहरी आबादी का 13.72% स्लम का संख्या है। सॉरी, सरायकेला नहीं होगा इसका आंसर, इसका सही आंसर होगा गिरिडीह। सरायकेला में तो 13% है, गिरिडीह में है 16.76%। गिरिडीह में 16.76% है, सरायकेला इसका आंसर नहीं होगा, गिरिडीह होगा। और जमशेदपुर में करीब करीब 5-6% के आसपास है स्लम जनसंख्या। तो स्लम जनसंख्या सर्वाधिक हुआ गिरिडीह जिला में। अगला प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शासक अशिक्षित था? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है अकबर, डी औरंगजेब। प्रश्न तो देखिए बड़ा कठिन है, हर शासक के बारे में इतना सारा डिटेल याद रखना कठिन होता है, लेकिन एक शासक ऐसा है जो 13-14 बरस की उम्र के आसपास गद्दी पर बैठा था, पता नहीं उसका शिक्षा कितना हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा अकबर। अकबर अशिक्षित शासक था। देखिए इतिहास में हम लोग जानते हैं अकबर द ग्रेट, कितना सारा अचीवमेंट है इसके ज़िंदगी में, धर्म, समाज, टैक्स, सोशल कल्चरल व्यवस्था के संदर्भ में, इसलिए द ग्रेट बताया जाता है। उसके बारे में अलग कभी चर्चा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कौन शासक अशिक्षित था, उसका सही आंसर होगा अकबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए, मतलब ये माइस द कॉलम है, राजा का नाम है, उसके पत्नी का नाम है। तो अगर कम से कम इस प्रश्न में अगर आपको कम से कम दो राजा के पत्नियों का नाम पता रहेगा तभी इसका सही आंसर आप कर पाएंगे। तो इसमें देखते हैं जैसे चंद्रगुप्त प्रथम थे, उनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी, कुमार देवी। और समुद्रगुप्त थे, उनकी पत्नी का नाम था दत्ता देवी। तो ए का 3 और बी का 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें फिर हो जाएगा सी का, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम हो गया कुबेर नागा और कुमार गुप्त वन के पत्नी का नाम अनंता देवी। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 43। ये भी मैच द कॉलम है। इसमें जो 16 महाजनपद थे भारतीय इतिहास में, तो महाजनपद और इसकी राजधानी। अब इसमें मुश्किल ये है कि लेवल जो क्वेश्चन का है थोड़ा सा कठिन है। 16 महाजनपद में से 4-5 जो फेमस फेमस है जैसे आंग वगैरह, ये सब का तो बहुत लोग को ध्यान रहता है ना। लेकिन चलिए अगर आपको ये जानकारी है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मिलाते हैं आंसर को। जैसे अस्मक महाजनपद जो था, अस्मक महाजनपद उसकी राजधानी थी पोटक, जो यहाँ पे ऑप्शन है। बी है अवंती, अवंती है, अवंती का राजधानी था महिष्मती, अवंती का राजधानी महिष्मती था। उसके बाद सी में देखते हैं, सी में है चेदी का राजधानी था सुक्तिमती और जो बचा कंबोज का राजधानी हाटक। तो इस तरह से अगर मिलाने से हम देखते हैं कि ए का 3, बी का 2, सी का 4, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 44 ले लेते हैं। बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए है केशव चंद्र सेन, बी है देवेंद्रनाथ टैगोर, सी है राजा राम मोहन राय, डी अरविंद घोष। इसका लेवल सो इजी है, सब जानते होंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर। जो भक्ति आंदोलन एक बार भी देखे होंगे आसानी से पकड़ में आ जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45। निम्न में से कौन 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह का सबसे बड़ा पक्ष पोषक था, है ना, ग्रेटेस्ट प्रोटागोनिस्ट ऑफ विडो रिमैरिज। तो ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, बी है केशव चंद्र सेन, सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी है पंडित गुरुदत्त। तो ये भी भक्ति आंदोलन से ही संबंधित है, आप जानते ही होंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बड़ा योगदान रहा था विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं, नेपोलियन एवं इंग्लैंड के मध्य आमिया की संधि 1802 का क्या प्रतिफल हुआ। ऑप्शन ए है परस्पर अधिकृत क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं करने का आश्वासन, बी है कुवा ब्रिटेन को प्राप्त हुआ, सी है माहे फ्रेंच बंदरगाह बना, डी इंग्लैंड द्वारा फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी वापस लौटाया गया। तो इसमें अगर एलिमिनेशन का जो तरीका आप अपनाते हैं, एलिमिनेशन की कौन कौन नहीं हो सकता, तो उस आधार पर आप इसका सही आंसर कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा परस्पर अधिकृत क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं करने का आश्वासन। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं, निम्न सिख गुरुओं में से कौन शाहजहां के विरुद्ध खड़ा हुआ और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमृतसर के निकट संगरणा में शाही फौज को पराजित किया। ऑप्शन नंबर ए है गुरु अर्जुन दास, बी है गुरु हरगोविंद, सी है गुरु हर राय, डी है गुरु हर किशन। तो जानते ही होंगे कि मुगल काल के आसपास कई गुरुओं को उनकी हत्या कर दी गई, फांसी दे दी गई, जो भी तरीका होगा। तो जैसे जहांगीर के समय गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी, मौत के घाट उतार दिया गया था। तो उसके बाद जब शाहजहां गद्दी पर बैठा तो गुरु हरगोविंद उनके खिलाफ सिर उठाए थे और वो 17वीं शताब्दी में शाहजहां के विरुद्ध खड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। तो शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि ग्रहण की, प्रश्न ऑप्शन ए है 1665, बी है 1670, सी है 1672, डी है 1674। तो ये आसान ही सवाल कह सकते हैं, शिवाजी ने 1674 में छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं, धन की निकासी जिसको हम लोग पॉपुलरली जानते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन की निकासी सिद्धांत का कौन महान पोषक था। ए ऑप्शन है एम जी रानाडे, बी है महात्मा गांधी, सी है दादा भाई नौरोजी, डी एनी बेसेंट। तो पता ही होगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अब प्रश्न संख्या 50 के पास आते हैं, प्रश्न संख्या 50 है, निम्न में से किसने गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था उसका प्रारूप कौन तैयार किया था। तो ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है लॉर्ड इरविन, सी है हर्बर्ट इमर्सन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर ढूंढते रहिए, हम आपको हिंट कर देते हैं कि महात्मा गांधी और इरविन दोनों में से कोई नहीं तैयार किया था, इसका नाम था हर्बर्ट इमर्सन, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं, निम्न में से किसने सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्रों एवं 1 पौत्र को कत्लेआम किया। सोचिए कितना क्रूर सा वो होगा जनरल। ये ऑप्शन है जॉन मिकोलसन, बी है हेनरी लॉरेंस, सी है लेफ्टिनेंट हडसन, डी है सर ह्यूरोज। तो उस जनरल का नाम था लेफ्टिनेंट हडसन। 1857 के क्रांति के आसपास ये सब नाम बहुत फेमस था, आपको ध्यान होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 52, निम्न में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह की को ख्याति प्रदान की। ऑप्शन नंबर एक बंकिम चंद्र, ऑप्शन नंबर बी शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन नंबर सी दीन बंधु मित्र, डी हरिश्चंद्र मुखर्जी। जैसे नील दर्पण में जानते होंगे कि नील आंदोलन के आंदोलनकारियों के बारे में दीन बंधु मित्रा ने लिखा था, उसी तरह से बंकिम चंद्र घोष ने आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह की चर्चा किया था। तो इस तरह से हम 52 क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, बाकी प्रश्न और थोड़ी देर में हम आपको बताने वाले हैं, आप तैयार रहिए। अगर आप जेपीएससी जेएसएससी या किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं
तो यह कोई झारखंड से खास रिलेटेड सवाल सब नहीं है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा कि किस तरह का प्रश्न आजकल आ रहे हैं, और अपने आप को उससे अवगत कराइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।